हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं कैलिब्रेशन XK3190B15 इंडिकेटर की। तो कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन के ऊपर लाजमी क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए। तो चलें दोस्तों, कैलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इंडिकेटर को हम ऑन करेंगे और ये अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा, यानी 00 पोजीशन पर आ जाएगा। इस टाइम देखें ये सेंस कर रहा है और अपनी 00 पोजीशन पर आ गया है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऑन को बटन को प्रेस करके रखना है। ऑन के बटन को हम प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पर डैश 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 आ जाएंगे और जब ये डैश डैश आ जाएंगे तो हमने ऑन के बटन को एक दफ़ा दोबारा प्रेस करके वैल्यू के बटन को प्रेस करना है। जब हम वैल्यू के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पास 0000 आ जाएगा। इसका पासवर्ड है 319015, यानी 319015। जब हम पासवर्ड प्रेस करेंगे उसके बाद हमने क्वांटिटी के बटन को प्रेस करना है। जैसे ही हम क्वांटिटी के बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर E000 आ जाएगा। E का मतलब है डिवीज़न। अगर हमने इसकी डिवीज़न 10 सेट करना चाहते हैं या जो भी हम सेट करना चाहते हैं यहाँ पर वो हम प्रेस कर देंगे। हमने इस टाइम डिवीज़न इसकी 10 ग्राम रखी है। उसके बाद हमने क्वांटिटी के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे, यहाँ पर POS 0 आ जाएगा। POS का मतलब है डेसिमल पॉइंट, यानी अशारिया के बाद कितने सिफर हों। तो हम चाहते हैं अशारिये के बाद 3 सिफर हों तो यहाँ पर हमने 3 लिख देंगे, और अगर हम चाहते हैं 2 सिफर हों तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अभी हम अशारिये के बाद 3 सिफर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 3 लिखने के बाद क्वांटिटी के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम क्वांटिटी के बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर फुल 000 आ जाएगा। ये है इसकी टोटल कैपेसिटी। फ़र्ज़ करें हम इसकी टोटल कैपेसिटी 30 kg रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 30 लिखकर आगे 3 सिफर लिखेंगे, क्योंकि हमने इसकी डेसिमल पॉइंट 3 रखा था इसलिए हमने 30 के बाद 3 सिफर लिख दिए हैं। 30,000 लिखने के बाद हम यहाँ पर क्वांटिटी का बटन को दोबारा प्रेस करेंगे। जैसे ही हम क्वांटिटी के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे यहाँ पर नो लोड लिखा हुआ आ जाएगा। जब नो लोड लिखा हुआ आएगा आपने चेक करना है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई लोड ना हो। उसके बाद हम क्वांटिटी के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे, जब हम क्वांटिटी के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ए लोड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी एड लोड। यहाँ पर हमने स्पैन वेट, यानी जिस वेट से हमने कैलिब्रेशन करनी है उस वेट को हमने ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। उसके बाद हमने वही वेट यहाँ पर हमने लिखना है। हमने 5 kg लिखा है तो हम यहाँ पर 5 के बाद 3 सिफर लिख देंगे, यानी 5000 लिख देंगे, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट 3 थे और अशारिया के बाद जो 5 लिखा गया ये 5 kg शो करेगा। ये 5000 लिखने के बाद हमने क्वांटिटी के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे। जैसे ही हम क्वांटिटी के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो इसकी कैलिब्रेशन हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं ये वेट को भी सेंस कर रहा है। तो दोस्तों, इस कैलिब्रेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ पूछनी हो, इसके कनेक्शन और भी जो भी आपने पूछने हैं वो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो से कोई थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।